Good morning, my dearest Bachcha Party. This is Beena Rao. I welcome you all to Bio Guru Beena Rao. This is MCQ Alert of NCERT, your favorite series. जिसमें हम क्या करते हैं? MCQ Alert of series is all about हम पूरी NCERT की line by line, word by word की marking करते हैं. उस पे based कौन कौन से question आ चुके हैं वो सब हम पढ़ते हैं. Along with that, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, potential questions भी हम cover करते हुए चलते हैं. Good morning, good morning. हाँ जी, attendance, बिल्कुल attendance लगवा दो. सबसे पहले सारे बच्चे बहुत ज़्यादा consistent हो आप लोग. I truly appreciate that कि सारे बच्चे हर क्लास लगाते हो रेगुलरली. होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर करते हो. आएंगे होमवर्क क्वेश्चन पे भी हम वेरी सून. देखते हैं कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं. नाफिसा अली, हेलो बच्चे. अर्शद, प्रिंसेस, वंश शर्मा, साईनाथ, शरीफ मलिक, आई एम सुपर एंथुजियास्टिक, परफेक्टली फाइन, यू टेल मी हाउ आर यू. उदय भाई, आपने कहा प्लांट किंगडम की मिंटी लगाओ, तो हमने कहा भाई बच्चों ने कहा है, बच्चों का चैनल है तो क्यों नहीं. तो आज इवनिंग में प्लांट किंगडम की ही मिंटी क्विज है बच्चे आपकी. एसके सुमन, हेलो 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 ध्रुवी, जल्दी अपने लाइक एंड शेयर्स भेजो. क्विकली क्विकली एवरीवन, डू सेंड मी योर लाइक एंड शेयर्स, जल्दी से भेज दीजिए. किथावत, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर मेनिका, सुपर एंथू, जैसे इनकी बायोग्रु वैसे ही है मेरे बच्चे, सुपर एंथुजियास्टिक ऑलवेज. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जल्दी से सेशन को आप लोग शेयर कर दो, लाइक कर लो, अपने सभी दोस्तों को बुला लो आप लोग. होमवर्क क्वेश्चन की हम करेंगे बात अभी, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड काफ़ी बच्चे उस क्वेश्चन में फर्स्ट जाते हैं बिकॉज थोड़ा सा उसके लैंग्वेज ही ऐसा डाइसी दी हुई है. सेंड मी लॉट्स ऑफ एटीपी इज फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंड मी लॉट्स ऑफ एटीपी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की कक्षा. हाँ जी, स्केड्यूल कुछ इस प्रकार है. मॉर्निंग में एट 11 यू हैव एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड इवनिंग में होती है आपकी मिंटी क्विज. कल हमने लिविंग वर्ल्ड किया था, आज हम प्लांट किंगडम करेंगे बिकॉज आप बच्चों ने कहा था कि मैम किंगडम पे रखवाओ आप एक बार फिर से, तो किंगडम पे ही आज हम मिंटी क्विज करने वाले हैं. यस यस एवरीवन, गुड 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 मॉर्निंग. तो चलिए पहले स्टार्ट करते कल के होमवर्क क्वेश्चन पे. किस किस मेरे सिंसियर बच्चे ने आंसर किया है उसका बहुत बढ़िया तरीके से एंड करेक्ट भी आंसर किया है, पहले हम उसकी बात करेंगे फिर हम मूव करेंगे आगे. लेट मी सी. प्रियंका सुमन, द फर्स्ट आंसर एंड परफेक्ट आंसर. बायोकेम, अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू वेरी मच बच्चे. देन वी हैव दर्शनी शर्मा ने भी आंसर किया है, एनोनिमस पर्सन ने भी आंसर किया है. अंशिता गुप्ता, डॉक्टर शेख, सिंधु कुमारी, मिथिलेश पूछ रहे नोट्स प्रोवाइड करिए. तो बच्चे मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे इस टेलीग्राम आईडी पे, अपने हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपलोड करूँगी जस्ट आफ्टर दिस क्लास एंड प्लस इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी. देन वी हैव अलशिफा, वेरी गुड. वी हैव कोबी, वी हैव ध्रुवी पटेल, वी हैव काव्या, वी हैव पटेल जय, वी हैव अजहर, वी हैव राजकुमार, वी हैव अनी गुप्ता, सीमा, डॉक्टर अनुज, फनी वर्ल्ड, रोहित, तपाप्रवा मिश्रा, वेरी 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 गुड बच्चे. सैड गर्ल, हैप्पी गर्ल हो जाओ तुम, इतनी बार तुमको हैप्पी गर्ल करना पड़ेगा. सैड क्या होता है यार, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो. सनी कुमार, देन वी हैव सैम तरसीम, डॉक्टर मेनिका, रश्मि शर्मा, चिकुन, वी हैव फनी वीडियो, वी हैव वेरी गुड. यार तुम लोग तो छा गए, मतलब इतना सिंसियरली तुमने होमवर्क क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, छा गए हो भाई, बिल्कुल छा गए हो बच्चे. गुड मॉर्निंग आदिति, गुड मॉर्निंग अनु गहलावत. तो पहले हम आते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे. होमवर्क वाला क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है. क्यों रहता है? बिकॉज हर एक बुक में आप देखेंगे उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, राइट? अगर आप अरिहंत की बुक उठाते हो उसमें कुछ और चीज़ लिखी हुई है, MTG उठाते हो कुछ और चीज़ लिखी हुई है, NCERT ने कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो थोड़ा सा सिचुएशन इसमें एम्बिग्यूस सी होती है. कैसी होती है? समझो आप, ठीक है? समझो, बेसिकली जो स्पर्म का मैच्योरेशन वाला पार्ट है प्लस उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को जो इंक्रीज करना है, एपिडाइडमस इज द डक्ट जहां से फाइनली आपका स्पर्म मूव करता हुआ अपर में जाएगा. अब इस वाले पार्ट पे मैच्योरेशन वाला पार्ट होता है,
लेकिन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी एट मैक्स कब आती है? कैपेसिटेशन का कुछ पार्ट वहां हो गया, विच इज मैच्योरेशन वाला पार्ट, बट जब ये स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है, उस टाइम पे इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं. क्या मॉडिफिकेशंस? जो एग्रोसोम वाला पार्ट है, एग्रोसोम अपर वाला पार्ट, उससे क्लस्ट्रोल को बढ़ाया जाता है, अंदर साइटोप्लाज्म को कम किया जाता है, जिससे कि उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज होती है. तो अगर आपसे ऑप्शन में, क्वेश्चन की ऑप्शन में दोनों चीजें मेंशन हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड एपिडाइडमिस, तो आप आंसर क्या करेंगे? यू विल आंसर इट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. यस, ट्रिकी क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको घर से करने के लिए बोला था. मैंने कहा भी था सोच समझ के इसका आंसर करना, ध्यान लगा करके इसका आंसर करना. आपकी कोई गलती नहीं है, बहुत सारी बुक्स में भी इसको एम्बिग्यूटी से ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैच्योरेशन वाला पार्ट इनिशिएट हो चुका है एपिडाइडमिस में, बट फुल मैच्योरिटी विल बी इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जब वो वहां पे एंट्री लेगा. एंड इस क्वेश्चन ने इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी राइज की थी 2017 में भी, कि फाइनली जब सीबीएसई का अप्रूवल आया, उसके बाद ही इसका आंसर करेक्ट माना गया था. यस एवरीवन, अभी हुआ क्लियर? हम कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले, एक भी पॉइंट जहां पे बच्चे मेरे फंस सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हम कवर करते हुए चलेंगे. सो आर वी डन विद द होमवर्क क्वेश्चन? टेल मी एवरीवन. तो होमवर्क क्वेश्चन आप बच्चों ने किया, कंसिस्टेंसी दिखाई, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट. बट थोड़ा सा उस होमवर्क क्वेश्चन पे भी होमवर्क कर लिया करो, फिर उसको सॉल्व किया करो. यस एवरीवन, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास को विद हाई जोश नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे, विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. चलो आ जाओ फिर सारे बच्चे, पेंसिल ली सबने, पेंसिल एंड योर एनसीईआरटी. डू यू हैव योर एनसीईआरटी एंड योर पेंसिल? भाई इस सीरीज के लिए एनसीईआरटी प्लस पेंसिल एकदम साथ में रख के बैठना है. जैसे ही मैम बोले एमसीक्यू अलर्ट, फटाफट से उसको अंडरलाइन करना है. सी, जितना तुम लोग मार्क करोगे एमसीक्यू अलर्ट, उतना ईजी होगा तुम्हारे लिए एग्जाम में उन क्वेश्चन को रेप्लीकेट रेसिप्रिकेट कर पाना. क्यों? अब जैसे ही मैम ने बोला एमसीक्यू अलर्ट, तुम्हारे दिमाग में अब तो घंटी बजती होगी पक्का. आई एम प्रिटी श्योर सबके दिमाग में घंटी बजती होगी कि यार एमसीक्यू अलर्ट मतलब इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है या आया हुआ है. तो ये जो घंटी बजने वाली प्रोसेस है, ये चलती रहनी चाहिए कॉन्टिन्यूअसली. यस यस एवरीवन, शेख उम्मी, हरीश कुमार, नौशीन, डॉक्टर मेनिका, यस बच्चे पार्टी, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा, विच इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हालांकि इस पार्ट से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं कंपैरेटिवली अगर मैं बताऊं तो, बट यस हम इसका वर्ड बाय वर्ड सुनते हुए समझते हुए चलेंगे. ठीक है, पेंसिल अपनी उठा लो सारे बच्चे. तो बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, जो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है आपकी ovaries. Along with that, we have certain secondary sex organs as well, जो help करते हैं. तो ovaries ऐसा part है जो female gamete को produce करेगा. क्या करेगा मेरे लाल? Female gamete को produce करेगा, which is your ova. Ova या ovum is your female gamete. पेज नंबर क्या है भाई, ऊपर देख लो. अब मैम से नहीं पूछना, मैम से बिल्कुल मत पूछना. जो तुम फरमाइशें रखते हो, सारी फरमाइशें पूरी हो जाती है. मैम पेज नंबर भी आप ही बता दो. हमें एनसीईआरटी ओपन कर ली है, लेकिन हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, हम पेज नंबर देखने ही नहीं वाले, है ना? यस, यही करते हो. तो पेज नंबर भी आपका ऊपर ही लिखा हुआ है. जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर लो, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो आप क्लास में. यस, आगे चलते हैं. तो ओवरीज बच्चे आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा. मूविंग अहेड टू, वी हैव ओविडक्ट्स, वी हैव यूटरस, वी हैव सर्विक्स, वी हैव वजाइना. ये जो चारों पार्ट है एंड द एक्सटर्नल जनेशिया एज वेल, ये सारे पार्ट आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है. सी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन काम क्या है? फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना. सेकेंडरी का मेन काम क्या है? मेन काम है उस गैमीट के प्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, वो जो साइड वाले फंक्शन है, वो सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करेंगे. जैसे अगर हम कंपेयर करें इसको प्लांट से, तो गाइनोजियम, जिसमें आपका
आपका पिस्टिल प्रेजेंट है. पिस्टिल में एम्ब्रियो सैक में जाकर के एग प्रेजेंट होता है. तो एम्ब्रियो सैक इज योर फीमेल गैमेटोफाइट विच इज कैरिंग एग अलोंग विद इट. बट जो कैलिक्स है, जो कोरोला है, उनका भी तो कुछ काम है. कैलिक्स का काम क्या है? उस फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करना. कोरोला का क्या काम है? जो पोलिनेटर्स है आपके बाहर से, उनको अट्रैक्ट करना इज द मेन फंक्शन ऑफ योर पेटल्स और कोरोला, राइट? तो सिमिलरली ये आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है. वन बाय वन हम हर एक के बारे में डिटेल में भी समझेंगे. ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. अब ये पेल्विक में प्रेजेंट है. कहाँ है जी? पेल्विक में प्रेजेंट है. इसके साथ साथ दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. व्हाट इज ओव्यूलेशन? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम. ओवम को प्रोड्यूस करने वाली जो प्रोसेस है, दैट इज ओव्यूलेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जब स्पर्म ने फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज कर लिया है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. प्रेगनेंसी, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका है, दैट इज प्रेगनेंसी. एंड देन बर्थ एंड द चाइल्ड कंट्रोल. फाइनली जब बर्थ होता है, दैट इज योर बर्थ कंट्रोल. यस यस एवरीवन, क्लियर हुआ? हैदर, बिल्कुल बिल्कुल. अभी दो दिन पहले एक बच्चे ने मुझे पिक्चर क्लिक करके भेजा कि मैम देखो मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ रहा हूँ, और उसने पूरे के पूरे पेज को, पूरा जो एनसीईआरटी का पेज है, रेड कलर से, येलो कलर से, ब्राइट कलर्स, ग्रीन कलर से पूरा भरा हुआ था एकदम, पूरे की पूरी एनसीईआरटी को. मैंने उससे पूछा कि यार इतने कलर्स क्यों यूज़ किए, तो उसने कहा कि मैम जब मैंने फर्स्ट रीडिंग लगाई तो मैंने रेड कलर यूज़ किया, तो इसलिए रेड मार्क्स है मेरे पूरे पेज पे. जब मैंने सेकंड रीडिंग लगाई तो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया. जब मैंने थर्ड रीडिंग लगाई तो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया. तो ये सारे कलर ये दिखा रहे हैं कि कितनी बार मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगा चुका हूँ. यस, तो ये अप्रोच होती है, ये अप्रोच होती है. यस एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, स्टार्टिंग विद द ओवरीज विच इज योर प्राइमरी मेन सेक्स ऑर्गन, राइट? जो ओवम को प्रोड्यूस करती है. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट विच इज योर ओवम. अलॉन्ग विद द ओवम इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेवरल स्टीरॉइड हॉर्मोन्स विच इज ओवेरियन हॉर्मोन. कौन कौन से हॉर्मोन प्रोड्यूस करती है भाई ओवरीज? तुम लोग बताओ चैट सेक्शन में, कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज? टेल मी इन द चैट सेक्शन, जल्दी बताओ, जल्दी, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड एंड डू टेल मी क्विकली, कौन कौन से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे? स्टीरॉइड हॉर्मोन्स. भाई अगर हॉर्मोन्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो ना तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो सकती है, ना ही ओवम का डीनेचुरेशन, उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकता है. सो बेसिकली वी हैव विच हॉर्मोन्स? जल्दी लिखो भाई बच्चे. वेरी गुड डॉक्टर शेख, वेरी वेरी गुड. एस्ट्रोजन, 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 मेनली एस्ट्रोजन. वी हैव प्रोजेस्ट्रोन एज वेल, एस्ट्रोजन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी वेरी गुड. तो बच्चे प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है आपकी ओवरीज, देन कुछ हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है. ओवरीज की अगर आप पोजीशन की बात करो, जैसे टेस्टिस वॉज बिलो द पेल्विक रीजन. यस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. नाफिसा, रिजवान, त्रिलोचन, डॉक्टर वैभव, वर्षा, अनुज, नीरज, रामगोपाल, बहुत बढ़िया, छा गए भाई, सारे बच्चे छा गए. आगे चलो, अगर आप इसकी पोजीशन की बात करो, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर अबडोमन. तो वी हैव बेसिकली टू ओवरीज, आउट ऑफ विच हर मंथ में एक ओवरी का ओवम या एग मैच्योर होता है. तो वी हैव गॉट टू ओवरीज एंड लोकेशन क्या है? लोअर अबडोमन के पास में है. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter इन द लेंथ. हर एक ओवरी की लेंथ 2 to 4 centimeter है एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस. ओवरी जो है वो, उसका कनेक्शन दोनों चीजों से है, पेल्विक वॉल से भी है एंड यूटरस से भी है, बाय सर्टेन लिगामेंट्स. कैन एनीवन टेल मी कि पेल्विक
कैन एनीवन टेल मी कि पेल्विक वॉल में कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट है, यूट्रस में कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट है? यस बच्चा पार्टी, कैन एनीवन टेल मी क्विकली, बताओ जल्दी से। तो यूटरस में आपके हैं ओवेरियन लिगामेंट्स, लिगामेंट्स की हेल्प से कनेक्टेड है। स्पेसिफिकली कौन से लिगामेंट्स? वी हैव गॉट ओवेरियन लिगामेंट्स इन यूटरस। जल्दी मायरा, वेरी गुड, लिख लो अपने एनसीईआरटी में, पेंसिल से मेंशन कर लो इसको, ओवेरियन लिगामेंट्स। एंड पेल्विक में इट इज सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट्स तो है लेकिन स्पेसिफिकली कौन से लिगामेंट्स है ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली तो लिगामेंट्स तो अटैच्ड होगा वो दोनों साइड से, राइट? यूटरस से अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट एंड पेल्विक वॉल से अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। जल्दी लिखो कमेंट्स में, फटाफट से बच्चा पार्टी, फटाफट से एनसीईआरटी में ही मेंशन कर लो पेंसिल से साइड में कि पेल्विक मेट इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स, यूटरस मेट इज ओवेरियन लिगामेंट्स। चलिए, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। हर एक ओवरी एक थिन एपिथेलियम से भी कवर है जो ओवेरियन स्ट्रोमा को कंप्लीटली कवर करता हुआ प्रेजेंट है। नाउ जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है इट इज डिवाइडेड इन टू योर टू रीजन्स। वन इज योर कॉर्टेक्स जो पेरिफ्री में प्रेजेंट है, सेकंड इज योर मेड्यूला जो इनर साइड में प्रेजेंट है। वी हैव कॉर्टेक्स, वी हैव मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है बच्चे, इट इज फॉर्मिंग अनु गहलावत, वेरी गुड, इकरा, वेरी गुड, नीरज जांगीर, बहुत अच्छे बच्चे, साइनाल, शाबाश मेरे लाल, रितु कुमारी, वेरी 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 गुड। तो कमेंट सेक्शन में खाली नहीं रहना चाहिए कमेंट सेक्शन, आप लोग कॉन्टिन्यूसली लिखते रहो। सी जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपके ब्रेन में स्टोर होगा, ज्ञान चक्षु में वो चीज़ अच्छे से फिट हो जाएगी, एग्जाम में जाते टाइम पे तुमको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम हमेशा कहती हैं कि क्लास में आए हो तो क्लास के अंदर ही याद करके समझ के हर चीज को जाना है, ये टॉपिक आज के बाद उठा करके ना देखना पड़े इतना इंश्योर करके जाना है। यस एवरीवन, यस, तो लिखो सारे बच्चे, स्ट्रोमा डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। वी हैव कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है, या लिख देती हूं आउटर पार्ट है, मेड्यूला जो कि आपका इनर पार्ट है, इनर साइड में है मेड्यूला, आउटर में है आपका कॉर्टेक्स। नाउ कॉर्टेक्स में वी हैव ओवेरियन फॉलिकल्स, वी हैव ओवेरियन फॉलिकल्स। इन ओवेरियन फॉलिकल्स का कुछ और नाम भी है क्या बच्चों? कुछ और नाम भी है क्या इन ओवेरियन फॉलिकल्स का? क्या हम इनको ग्रेफियन फॉलिकल्स बुला सकते हैं? टेल मी यस और नो। स्ट्रोमा के दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर फॉर्म होंगे आपके ओवेरियन फॉलिकल। क्या मैं इसको ग्रेफियन फॉलिकल भी बुला सकती हूँ? टेल मी यस और नो, फटाफट से टेल मी यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, क्विकली टेल मी यस और नो। कैन आई कॉल इट ग्रेफियन फॉलिकल एज वेल? यस यस यस, इकरा, रितु, हैदर, जोश के साथ में यस आना चाहिए, एकदम सुपर जोश के साथ में। राम गोपाल वर्मा, वाह जी वाह, राम गोपाल वर्मा मूवीज बनाना छोड़ करके क्लास देखने आ गए, बहुत बढ़िया यार, सो हैप्पी। साक्षी, नेहा, मायरा, नीरज, श्रेया, तो जो ये ग्रेफियन फॉलिकल है ये ही तो आगे चल के ओवम बनाएगा। ये क्या करेगा जी? आगे चल के ओवम का फॉर्मेशन करेगा। व्हाट अबाउट दिस मेडुला? यार स्ट्रोमा के तो दो पार्ट है, कॉर्टेक्स है, मेडुला है। कॉर्टेक्स का ही मेन सारा काम है, इसने ओवेरियन फॉलिकल्स बना दिए हैं जो आगे चल के ओवम को प्रोड्यूस करेगा। व्हाट अबाउट दिस मेडुला, इसकी क्या कहानी है? ये क्या एमए प्रेजेंट है? जी नहीं, ये एमए नहीं प्रेजेंट है, बेसिकली इसका काम है न्यूट्रिटिव, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
स्पेस नहीं बचा, आप लोग लिख लीजिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता प्लस यहाँ पे आपकी काफी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। वापस रिवाइज कराती हूँ, हमने बात करी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज आपकी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट विच इज ओवम उसको प्रोड्यूस करने वाली, अलोंग विद दैट सेवरल हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करेंगी, राइट। इसकी अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो लोअर अब्डोमेन के पास में प्रेजेंट होती है, साइज की बात करोगे 2-4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, ये पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है एंड यूटरस से भी कनेक्टेड है, यूटरस से बाय द हेल्प ऑफ वन लिगामेंट विच इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट, पेल्विक वॉल से बाय द हेल्प ऑफ वन लिगामेंट विच इज सस्पेंसरी लिगामेंट। नाउ जो ये ओवरीज होती है दे आर इनक्लोजिंग ओवरियन स्टोमेटा, अब जो स्ट्रोमा है नॉट स्टोमेटा स्ट्रोमा इट इज स्ट्रोमा स्टोमेटा ही याद आ रहा है। स्ट्रोमा डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, कॉर्टेक्स में एंड मेड्यूला में। कॉर्टेक्स में ओवरियन फॉलिकल प्रेजेंट है, इसको आप ग्रेफियन फॉलिकल भी बुलाते हो, ये आगे चल के ओवम को रिलीज करेगा। जो मेड्यूला है वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा प्लस इसमें काफी सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। एनी डाउट, कोई आपत्ति है अब तक की कक्षा में तो प्लीज पूछिए, और अगर आपत्ति नहीं है तो मैम के लिए बढ़िया से लाइक एंड शेयर तो बनता है यार, मैम के लिए लाइक एंड शेयर तो बनता है। हाँ जी, क्या कहते हो, क्या बोल रही पब्लिक मेरी, यस गॉट इट, क्लियर हुआ यहां तक, कुछ आपत्ति है तो प्लीज पूछिए। गुड मॉर्निंग रंजू नंदा, सो सो करके उठ के आ रहे हैं, जल्दी उठा करो मॉर्निंग में, क्लासेस पे टाइम से आया करो। हरीश कुमार, हाँ जी नो डाउट, नो आपत्ति, चले फिर आगे, चले आगे, चले आगे, चलो फिर सवाल करके दिखा दो, तुमने कहा आपत्ति नहीं है तो सवाल करो, 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, 10 सेकंड ही लैग पीरियड है। लैग पीरियड क्या है कि जब यहां से बोला जा रहा है आपके पास रीच आउट हो रहा है वो लैग पीरियड है, तो 10 सेकंड ही है, मतलब जैसे क्वेश्चन देखा आपके पास एक ही सेकंड का टाइम है, एक ही सेकंड का टाइम है फटाफट से आंसर करने का। यस, ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप्स फ्रॉम, ग्रेफियन फॉलिकल किससे डेवलप होता है, हां जी साइड हो गई हूं अनु, किससे डेवलप होता है, स्ट्रोमा ऑफ ओवरीज से, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज से, या दोनों से, या नॉन ऑफ दीज से, बताओ जी किससे फॉर्म होता है। ध्रुवी वेरी गुड वेरी गुड। चंद्रशेखर, डॉक्टर मेनिका, हां साइड हो गई बेटा। साक्षी वेरी गुड वेरी गुड। चंद्रा वर्षा छा गए भाई, सारे बच्चे छा गए, लेकिन जो बच्चे ABCD लिख रहे हैं वो हमारे बायोग्रुप के बच्चे नहीं हैं, वो एलियन है, एलियन है। यस अनु गहलावत, वर्षा, आकाश, अंजलि, बहुत बढ़िया बच्चों, एनके गौर, अनुज, बहुत बढ़िया, छा गए बच्चे छा गए। द करेक्ट आंसर विल बी योर ग्रेफियन फॉलिकल, कहाँ से फॉर्म हुआ आपके, स्ट्रोमा ऑफ ओवरीज से ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं फिर आगे, ये डायग्राम आपको NCERT में दिया हुआ है, ये डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल पेल्विस, राइट। इसमें क्या क्या पार्ट्स है, ये आपका यूटरस वाला पार्ट है दिस वन, यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट दिस वन, प्यूबिक सिम्फाइसिस दिस वन, यूरिथ्रा वाला पार्ट विच इज दिस वन, क्लाइटोरिस विच इज दिस वन, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, दोनों ही अपर नीचे प्रेजेंट है, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वजाइनल ओरिफाइसिस यहाँ पे प्रेजेंट है, एनस यहाँ प्रेजेंट है, विजाइना, दिस पार्ट इज विजाइना, रेक्टम वी हैव, एंड वी हैव सर्विक्स, वी हैव सर्विक्स। ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा ये वाला डायग्राम, टोटल डिटेल डायग्राम है, कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप समझ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। एंड दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ही लिख देती हूं MCQ अलर्ट, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी प्रीवियस ईयर में, एंड हम भी आज इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं जी, पहले
ये वाला पार्ट आपका विजाइना है, ये जो पोर है ये सर्वाइकल कैनाल है, दिस पार्ट इज सर्विक्स, ये तीनों आपके यूटरस का पार्ट है, ये आपका यूटरस वाला पार्ट है। समझते हैं जी वन बाय वन। बेसिकली ये आपकी ओवरीज है, ओवरीज फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती है विच इज योर ओवम। जब ओवम प्रोड्यूस होता है, बड़ी मज़े की बात आने वाली है यहाँ पे, जब ओवम प्रोड्यूस होता है तो ओवम प्रोड्यूस हो करके उसको यहाँ पे अबडोमन कैविटी के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया जी, ओवम। अब प्रोड्यूस करने के बाद वो डायरेक्टली यूटरस में नहीं जाएगा, भाई हमको ये पता है कि ओवम आगे चल के यूटरस में ही इसका इम्प्लांटेशन होने वाला है, दैट वी नो इट वेरी वेल। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाएगा, आप समझिए कि आप लेट से एनसीआर में हो, आपको काफ़ी सारे हर्डल्स पास करके, काफ़ी ट्रैफिक पास करके फाइनली गुरुग्राम से नोएडा जाना है। यार गुरुग्राम से नोएडा जाना इस टोटल हेडेक, इतने सारे हर्डल्स हैं, जाने में वाट लग जाती है पूरी। तो सिमिलरली इस एग को, इस ओवम को हमको यहाँ ओवरी से यहाँ पे प्लेस करवाना है। अब यहाँ पे प्लेस करवाने के लिए क्या क्या हर्डल्स है, कौन कौन से रास्ते को उसको फॉलो करना है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है जी। अब ओवरीज ने प्रोड्यूस किया फीमेल गैमिट विच इज योर ओवम, जो यहाँ प्रेजेंट है कहाँ पे, अबडोमन में। नाउ अब अबडोमन से यहाँ तक रीच आउट कराने के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, नोएडा से गुरुग्राम जाने के लिए बीच में दिल्ली प्रेजेंट है, उसको पास करना पड़ेगा। तो इस एग को यहाँ से यहाँ जाने के लिए बीच में ये वाला पार्ट प्रेजेंट है विच इज योर फेलोपियन ट्यूब्स, उसको पास करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कैसे पास करेगा, पहली चीज तो फेलोपियन ट्यूब में ही एंट्री लेनी पड़ेगी। कैसे एंट्री लेगा, ये जो फर्स्ट पार्ट है विच इज फनल शेप्ड, the first part which is funnel shaped is your infundibulum. क्या बोला मैंने बच्चों, क्या बोला मैंने, लिखो सारे बच्चे कमेंट में क्या बोला मैंने। द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फेलोपियन ट्यूब इज इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम में फिम्ब्रिए लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिम्ब्रिए आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्या करेंगे, ये अबडोमेन से इस एग को कैच कर लेंगे, अबडोमेन से एग को कैच कर लिया। एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच विल रिसीव दिस ओवम इज इनफंडीबुलम। फनल शेप्ड है, इसमें फिम्ब्रिए प्रेजेंट होते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, नाम सुना सा लग रहा है, किसको नाम सुना लग रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ पे प्रेजेंट था, प्लांट वाले पार्ट में, जल्दी बता दो मुझे, मैं पानी ग्रहण करती हूँ, आप लोग जल्दी बता दो मुझे कहाँ पे प्रेजेंट था आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्लांट में। हाँ जी जल्दी बता दो जी, कहाँ प्रेजेंट था प्लांट में, कहाँ प्रेजेंट था प्लांट में फिंगर लाइक। किसी को फिलीफॉर्म अपैरेटस याद आया कि नहीं आया, फिलीफॉर्म अपैरेटस याद आया कि नहीं आया, फंस गए सारे बच्चों की हो गई है टाई टाई फिश हो गई है ना। सर्टोली सेल्स, अरे प्लांट में सर्टोली सेल्स कब से होने लग गई बंधु, प्लांट में सर्टोली सेल्स कैसी बात कर रहे हो, अब मजा आएगा तुम्हारे आंसर्स देखने में। माइक्रोपाइल, माइटोकॉन्ड्रिया में, विलाइज में, वेरी गुड, रूट एपिक्स में, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, ये हुए मेरे लाल, बहुत बढ़िया। सबके सब बिल्कुल गलत हो। प्लांट में यहां लिख देती हूँ, यहां पे एक कॉर्नर बना देते हैं हम अपने प्लांट्स का भी, कॉर्नर में लिख देते हैं। तो प्लांट में बेसिकली जो आपके सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है मेरे लाल, ये भी आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वहां पे काम डिफरेंट है, काम क्या है वहां पे बेसिकली ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कराते हैं। आपका जो पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है, वो कहाँ है, स्टिग्मा के ऊपर है। अब वहां पे भी लड़ाई पूरी इसी चीज की है कि मेल गैमेट को फीमेल के पास में रीच आउट करवाना है, यहां पे भी यही लड़ाई है। तो मेल गैमेट को रीच आउट कराने के लिए पहले रास्ता दिखाना पड़ेगा एम्ब्रियो सैक तक का,
वो कौन दिखाएगा? वो दिखाएगा आपके सिनर्जिड्स में प्रेजेंट फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये एक केमिकल को रिलीज करेंगे जिसकी वजह से कीमोटैक्टिक मूवमेंट होने वाला है एंड पॉलन ट्यूब विल बी एंटर थ्रू सिनर्जिड। इट विल एंटर थ्रू सिनर्जिड। सिमिलरली यहां पे भी आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, फिम्ब्रिए इनफंडिबुलम का पार्ट है, वहां पे सिनर्जिड्स का पार्ट थे, यहां पे इनफंडिबुलम का पार्ट है जिसका काम क्या है? काम क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये, इस एग को यहां से कैच करेंगे एंड फाइनली इट विल रीच इनटू इनफंडिबुलम जो आपके फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। राइट? एनी आपत्ति, एनी आपत्ति टू एनी बच्चाज आउट देयर? किसी मेरे बालक को कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया? हाँ जी फिलीफॉर्म नाफिसा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो इसने क्या किया? कलेक्शन कर लिया है ओवम का इनफंडिबुलम ने। आगे चलते हैं एम्प्यूला। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका एम्प्यूला, सबसे जो ब्रॉड वाला पार्ट है पूरी फिलोपियन ट्यूब्स का, दैट इज योर एम्प्यूला। एम्प्यूला में बेसिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तो एम्प्यूला इज द पार्ट जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा मेरे लाल? फर्टिलाइजेशन होगा। एम्प्यूला में हो गया है फर्टिलाइजेशन, मतलब बन गया है जायगोट लाइक स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज इस्थमस, यहां पे आपका ओवम नहीं मूव करेगा, यहां पे आपका क्या मूव करेगा? जायगोट मूव करेगा। क्या मूव करेगा मेरे लाल? जायगोट मूव करेगा। आया समझ? ज्ञान चक्षु में रखा तुमने इस चीज को? बताओ मुझे फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है बच्चे पार्टी मेरे? फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है बताओ मेरे लाल? एम्प्यूला में हुआ है। तो आगे वाले स्ट्रक्चर में इस्थमस में जायगोट मूव करेगा। फाइनली ये जो जायगोट है यहाँ पे यूट्रस में हो जाएगा इसका इम्प्लांटेशन। ये है आपका यूटरस वाला पार्ट, यहां लिख देती हूं मैं, दिस इज यूटरस, जिसको वूम्ब भी बुलाते हो, गर्भाशय। अगर ये यूटरस नहीं होता तो हमारी आपकी किसी की भी एग्जिस्टेंस नहीं होती एंड बाय गॉड ग्रेस ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के पास में ही ऐसे सुपर पावर्स होती है दैट वी कैन ओरिजिनेट ए न्यू लाइफ। तो हमेशा अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहा करो तुम लोग, बिकॉज मदर ने ही आपको इस लाइफ में लेकर के आया है, उनके बिना आपकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। बी ए गुड ह्यूमन फर्स्ट, बाकी चीज़ें बाद में, डॉक्टर बनना सब बाद में, एवरीथिंग इज आफ्टर दैट। सबसे पहले अपनी माता जी की, पिताश्री की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करो तुम लोग। यस यूटरस में भी आपकी बेसिकली तीन डिफरेंट वॉल्स होती है बच्चे। वी हैव पेरीमीट्रियम, जो आउटर वॉल है, पेरीमीट्रियम, पी से पेरी, पी से पेरिफ्री, जो बाहर की साइड में प्रेजेंट है। देन वी हैव मायोमीट्रियम, जो सेंटर में मिडल पोजीशन पे प्रेजेंट है। देन वी हैव एंडोमीट्रियम, जो इनर साइड में प्रेजेंट है। तीनों के बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे। यस हाँ जी, माता जी की जरूर इज्जत किया करो। आपके सामने भी आपकी बीना माँ है, बायोगुरु माँ है आपकी, तो अपनी बायोगुरु माँ की भी इज्जत किया करो अच्छे से, है ना? यस बच्चे, यस। मायोमीट्रियम का क्या फंक्शन हम बात करेंगे एंडोमीट्रियम का क्या फंक्शन है, मायो का क्या फंक्शन है, पेरी का क्या फंक्शन है, तीनों को हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। डन। चले फिर आगे, बीना माँ, यस। चलिए फिर चलते हैं जी आगे, पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। आ जाओ, पेंसिल उठा लो सारे बच्चे। अरे बीमा नहीं भाई, बीमा होता है वो, बीमा आप किसको बोलते हो? इंश्योरेंस को आप बीमा बोलते हो, यस याद आ गया मुझे, इंश्योरेंस को आप बीमा बोलते हो। बीमा नहीं है, बीना है, बीना। डॉक्टर मेनिका, जायगोट फॉर्म हो चुका है एम्प्यूला में ही, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हो चुका है बच्चे, ठीक है। आओ जी, एनसीईआरटी क्या लिखती है, पढ़ते आगे। द ओविडक्ट,
या फिर फिलोपियन ट्यूब्स. पेंसिल उठाओ, उठाओ पेंसिल, सारे बच्चे पेंसिल उठाओ अपनी. यस, ओविडक्ट को ही आप फेलोपियन ट्यूब भी बुलाते हो. अलोंग विद इट वी हैव यूटरस एंड विजाइना, दे कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट. ये आपकी फीमेल एसेसरी डक्ट का पार्ट होते हैं. यस, फीमेल एसेसरी डक्ट. ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10-12 सेंटीमीटर. जो फेलोपियन ट्यूब है इट इज नियर अबाउट 10-12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस. पेरिफरी से यूटरस की तरफ में वो प्रेजेंट है. यस, पेरिफरी से यूटरस में प्रेजेंट है. हाँ, बीना माँ के दरबार में स्वागत है सारे भक्तों का, सारे मेरे भक्तों का स्वागत है. आ जाओ नलायको, आ जाओ आगे पढ़ लो. पेंसिल है सबके हाथ में, मार्क करते हुए चलो. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी. और क्वेश्चंस नहीं किए ना, गलत किए, फिर आएगी तुम्हारे पास में फ्लाइंग चप्पलें. आज तो हमने बहुत सारी फ्लाइंग चप्पलें रखी हुई है यहाँ पे, चप्पल पूरा इकट्ठा कर लिया हमने. यस, आ जाओ जी, आ जाओ. तो पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट. द पार्ट विच इज the closest part to the ovary is the funnel shaped, which is infundibulum. Infundibulum, which is funnel shaped structure, jisme fimbriae present hai. The edge of the infundibulum is having finger like projections, jisko aapne fimbriae bulaya. Fimbriae, which is your finger like projections, yaad hai, jiska kaam kya tha? Collection, collection of ovum. Kahan se? From From abdomen, which help in collection of the ovum after ovulation. Main काम क्या है जी इसका? Collection करना. Again MCQ alert. Again MCQ alert मेरे लाल. The infundibulum leads to a wider part. Infundibulum के बाद में एक wider part present है of oviduct, which is ampulla. Which is your ampulla. Ampulla के बाद में it will go to the last part of the oviduct, which is isthmus, which has got a narrow lumen and it joins the uterus. Finally, आगे चल के ये uterus को join करता है. हाँ जी, finally uterus को join करेगा. तो आपकी oviduct के infundibulum, finger like वाला part जिसमें fimbriae है, ampulla and isthmus, जो finally uterus से join करने वाला है. ठीक है, आ गया समझ, आ गया समझ. अब मैम ने समझा दिया, अब तुम लोग मुझे प्रूव करोगे 10 सेकंड. हर एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए. जल्दी से करके दिखाओ मुझे ये क्वेश्चन. AIPMT का क्वेश्चन है, 2011 में आया था. ये डायग्राम आपको उठा करके दे दिया था. ABCDE स्ट्रक्चर आपको देखना है. व्हाट इज दिस ए स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस बी, व्हाट इज दिस सी वाला पार्ट यहाँ पे, व्हाट इज दिस डी वाला पार्ट, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्ट. What is this E वाला part? What is this F वाला part? हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, बताओ जी. डॉक्टर मैंने कहा बच्चे ampulla जो broad वाला part जो पहले आया वो broad वाला part ampulla है, and finally जो एक narrow pathway बना वो आपका ये वाला जो broad वाला part है ये ampulla है, ये वाला part आपका isthmus है. ठीक है, हाँ साइड हो जाती हूँ भाई, बिल्कुल हो जाती हूँ साइड. सॉल्व करो, 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए जी. 10 सेकंड एवरीवन. बच्चा बाटी मेरे, 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा. गेटिंग द आंसर्स, आंसर्स तो आ रहे हैं जी. बिलाल, वर्षा, जुनैद, सुष्मिता, अंजलि, नाफिसा, बियॉन्ड इन्फिनिटी, वाजिवा, तन्मय, चांद्रा, शदाब, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जिसमें ये सी वाला पार्ट इज योर इनफंडिबुलम, जिसमें आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज फिम्ब्रिए आर प्रेजेंट. ये डी वाला पार्ट इज योर फिम्ब्रिए एंड दिस ई वाला पार्ट इज योर सर्विक्स. इज सर्विक्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. परफेक्ट.
जस्ट परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जल्दी से ये सवाल तुमने 10 सेकंड में कर दिया, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो एंड शेयर कर लो। लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला चलते रहना चाहिए, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। बीना माँ के दरबार में ये प्रसाद है आपका। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, क्लोजेस्ट, एमसीक्यू अलर्ट लिखा था हमने, एआईपीएमटी 2010 का सवाल है, 2010 का सवाल, बच्चे दिखाओ जरा कमाल, 2010 का सवाल, क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है, टेल मी, सबसे क्लोजेस्ट टू द ओवरीज, इस्थमस था, इनफंडिबुलम था, सर्विक्स था या फिर एम्पुला। एबीसीडी मत लिखो, पूरा आंसर लिखो, पूरा आंसर लिखो। बिलाल वेरी गुड, अनु वेरी गुड, कमल, प्रकाश, तन्मय बहुत बढ़िया, छा गए सारे बच्चे छा गए। डॉक्टर नूर बहुत 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 बढ़िया। रिफत खान, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज इनफंडिबुलम, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल का आंसर तुमको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में इस सवाल का आंसर करना है तुम बच्चों ने, जस्ट 10 सेकंड्स। इसमें एबीसीडी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर। ओवरी रिलीजेस द एग और ओवम विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिपिक्ट द राइट पाथ द एग एंड एम्ब्रियो टेक्स फ्रॉम ओवरी टू यूटरस। हाँ जी, 10 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में नहीं लगाना है बच्चों, दिखा दो जरा अपना कमाल। साइड हो जाऊं? हाँ जी साइड हो जाती हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिना साइड हुए दिखेगा ही नहीं आपको। बताओ जी, ओवम से रिलीज हुआ यहां तक कोई फाइट नहीं है, ओवन के बाद में एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज होगा, यहां तक कोई फाइट नहीं है, मजा आएगा यहां पे, इस वाले पॉइंट पे। यहां तक भी कुछ बच्चे कर लेंगे कि सबसे पहले इनफंडिबुलम लेगा, इसके बाद ज्यादा मजा आएगा। साईनाथ वेरी गुड, पूजा, ध्रुवी, धीरज, जुनैद, डॉक्टर मेनिका, डॉक्टर वैभव, रिफत एंड एंड अलशिफा, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। इतनी ही स्पीड से तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए जितनी स्पीड से तुम लोग आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट एवरीवन। भाई सबसे पहले आपके ओवम में एग फॉर्म होगा, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज होगा, जहां से फिम्ब्रे विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसको पिक करेंगे, इनफंडिबुलम में जाएगा, उसके बाद एम्प्यूला जो ब्रॉड है जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होने वाला है वहां पे जाएगा, देन द नैरो विच इज इस्थमस यहां जाएगा, फाइनली यूटरस में इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। यस गॉट इट, कोई आपत्ति है तो पूछो, कोई भी आपत्ति है तो प्लीज पूछो। मायरा वेरी 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 गुड, चलो फिर चलते अगले सवाल पे, अगला सवाल नहीं है, आगे चलते हैं हम। हाँ जी आगे चलते हैं, चलो यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक सबको क्लियर हो चुका है फिलोपियन ट्यूब्स क्या है, ओविडक्ट क्या है, कौन कौन से पार्ट्स है उसके। अब हम समझ चुके हैं कि ओवम या एग जो है वो यूटरस वाले पार्ट में आ चुका है। अब यूटरस वाला पार्ट को डिटेल में समझते हैं। इट इज सिंगल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम्ब, गर्भाशय आप इसको बुलाते हो, राइट। जो भी आपका जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है वो जायगोट इम्प्लांट होता है यूटरस वाले पार्ट में ही, तो जो यूटरस है उसकी शेप जो होती है बच्चे, दैट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप होती है यूटरस की, राइट। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल,
पेल्विक वॉल में लिगामेंट्स अटैच्ड है. अब आप एक चीज समझिए, यूटरस के अंदर जो बेबी है दैट विल बी देयर फॉर अराउंड 9 मंथ्स तक तो होगा ही होगा. तो आपका जो यूटरस वाला पार्ट है दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बेबी. उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो बेबी को कैरी कर पाए. अदरवाइज अगर वो कैरी नहीं कर पाएगा तो डिसेंड हो जाएगा बेबी एंड प्री मेच्योर डिलीवरी होगी. तो उस प्री मेच्योर डिलीवरी को नेचर भी इंश्योर करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए यूटरस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मसल्स को इनकॉर्पोरेट करता है. राइट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं स्ट्रॉन्ग मसल्स, जानने के लिए हम देखते रहेंगे पूरा का पूरा लेक्चर. यस, तो लिगामेंट्स प्रेजेंट है सपोर्ट के लिए. देन द यूटरस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स वाला पार्ट. बीच में वी हैड सर्विक्स वाला पार्ट, देन वी हैड वजाइना. तो इट विल ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट. जो कैविटी प्रेजेंट है, द कैविटी ऑफ हैदर. कितनी अच्छी बात बोल रहा है बच्चा. हमारे पास एक ही लाइक है बट शेयर करने के लिए तो है, शेयर तो कर सकते हो उसको. हाँ जी बताओ, कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो. इट इज़ नॉट अबाउट दिस एग्जाम और एनीथिंग एल्स, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग इन योर एंटायर लाइफ. कोई भी सिचुएशन दे दो, दो टाइप के लोग होंगे. टाइप वन, जो हर एक अच्छी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ खराब निकाल ही लेगा और बोलेगा कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में. टाइप बी, आप कुछ भी कर लो हर एक चीज़ में वो अपनी लर्निंग निकाल लेगा. ऐसा हुआ है तो इसको सॉल्व करने का ये ए तरीका है, कुछ वाई कंडीशन हुआ सॉल्व करने का ये बी तरीका है. तो ये जो टाइप बी है ये हमेशा लाइफ में सीखते हुए चलते हैं. टाइप ए जिंदगी भर कंप्लेन करते ही रह जाते हैं, जिंदगी भर कंप्लेन करते रह जाएंगे. तो ये टाइप बी को रिसेप्टिव वाला पर्सन बुलाते हैं. तो रिसीविंग बनो, रिसेप्टिव बनो ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए. बी ए गुड ह्यूमन फर्स्ट. ठीक है. हाँ जी, किस्मत खराब किसी की नहीं है, किस्मत अपने खुद बनानी होती है. हाँ जी चलो फिर आ जाओ जी. यूटरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स वाला पार्ट. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज सर्वाइकल कैनाल. नाउ अलोंग विद द वजाइना इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल. तो बर्थ कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू अलर्ट है जी, ये कलर चेंज कर देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए. बर्थ कैनाल इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ सर्विकल कैनाल प्लस योर वजाइना. दोनों पार्ट मिल करके बर्थ कैनाल को फॉर्म करती हैं, दोनों पार्ट मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है. क्लियर हुआ. यस. आगे चलते हैं. व्हाट अबाउट द यूटरस, गर्भाशय. इसमें तीन लेयर्स है, थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यूज. द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर इज पेरीमीट्रियम. क्या बोला बच्चे, पेरीमीट्रियम. पी से पेरिफरी, पी से पेरीमीट्रियम. आउटर साइड वाली जो लेयर है वो आपकी पेरीमीट्रियम होती है. एक्सटर्नल है, थिन मेम्ब्रेनस है. एक्सटर्नल है, थिन मेम्ब्रेनस. आउटर मोस्ट इज योर पेरीमेट्रियम. इसके इनसाइड में जो मिडल वाली लेयर प्रेजेंट है वो थिक लेयर है. प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थिक लेयर ऑफ स्मूद मसल्स विच इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम. एम से मायोमेट्रियम, एम से मिडल वाली लेयर. अब समझो जो मैंने आपको कहा कि स्ट्रॉन्ग मसल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज इस पार्ट को कैरी करना है बेबी को फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ. तो ये स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे ये वाली जो लेयर है मायोमेट्रियम वो स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट होती है. यस, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स प्रेजेंट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स. पायल कौन से वाला पॉइंट वापस से बताऊं? अच्छा सुनो, ज्ञान चक्षु करो ओपन. वापस से सुनो, हम बात कर रहे हैं अभी यूटरस की, जहां पे इम्प्लांटेशन होगा जाइगोट का एंड बेबी फॉर्मेशन होगा. अब समझो जो बेबी है उसको 9 मंथ्स तक यूटरस के अंदर रहना है, रिजाइड करना है. तो यूटरस की बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीफ्रल विच इज पेरीमीट्रियम.
थिन लेयर होती है, मेम्ब्रेनस होती है. सेकेंड वन इज योर मायोमेट्रियम जो मिडल में प्रेजेंट है, एंड इसमें स्मूथ मसल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती है. रीजन क्या है उसका? रीजन इसका ये है कि जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी. एंड द इनर मोस्ट इज योर एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है. एंडोमेट्रियम, सी एक चीज समझो आप लोग, ओवम बन गया. अब हर टाइम तो जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन ही होगा, हर टाइम तो ऐसा नहीं होगा कि स्पर्म रिसीव हो जाएंगे एंड फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनेगा, नहीं होगा. अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? दैट ओवम विल स्टार्ट रप्चरिंग, वो ओवम डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी कॉल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा. तो मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग होती है, बेसिकली यूटरस की कौन सी वॉल्स इन्वॉल्व है उसमें, स्पेसिफिक यूटरस की एंडोमेट्रियम वॉल्स इन्वॉल्व होती हैं. एम आई क्लियर? तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल्स है दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी, दे अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं दैट विल हैपन इन टू योर एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. डिलीवरी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर प्रोवाइड करेगी जी? मायोमेट्रियम. एंड साइक्लिकल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो चेंजेस होंगे उसमें कौन सी लेयर इन्वॉल्व है जी? एंडोमेट्रियम. आउटर मोस्ट कौन सी लेयर है जी? पेरीमेट्रियम जो थिन लेयर है, मेम्ब्रेनस लेयर है. बताओ जी, बताओ जी, एनी डाउट? कोई आपत्ति है मेरे बच्चों को तो जल्दी से पूछो, कोई भी आपत्ति है, नहीं तो ये 500 लाइक्स तो बनते हैं यार, 500 लाइक्स तो बनते हैं. इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत. आई एम फीलिंग लाइक आई एम ए किड अगेन जो वापस से नीट की तैयारी कर रहा है. यस श्रेया, हाँ जी करेक्ट. विनय करेक्ट. अजीत करेक्ट. बिलाल अहमद परफेक्ट. इकरा बहुत बढ़िया. आशु मौर्या वेरी गुड. मैम एंडोमेट्रियम एक बार और, ठीक है नाफिसा. जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चे वो एंडोमेट्रियम है. अब सुनो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओवम ने एग को कर दिया रिलीज, ठीक है. अब ये जो एग है जरूरी नहीं है कि हमेशा इससे स्पर्म फर्टिलाइज करे, अगर कर लिया फर्टिलाइज तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, विन विन सिचुएशन है. बट अगर नहीं फर्टिलाइज किया तो क्या होगा? दैट एग विल स्टार्ट रप्चरिंग, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ब्लीडिंग होगी. दैट ब्लीडिंग इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अब जो ये ब्लीडिंग होती है जिसमें ये ब्लड इन्वॉल्व है, ये कहां से आया? ये एंडोमेट्रियम की वॉल से ही आता है. हाँ जी बताओ, एनी डाउट? मायरा अंसारी, मिस कैरेज की कंडीशन में सिचुएशन कुड बी डिफरेंट. आई मीन टू से मिस कैरेज में क्या तो प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, अगर हो गया तो भी उसका जो डेवलपमेंट होता है उस फेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस फेज में भी नहीं हुई तो आगे चल करके तो ये प्रॉब्लम इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद का स्टेप है मिस कैरेज, जिसमें एक बार जाइगोट बन चुका है, बनने के बाद वो डिमोलिश होता है. ठीक है, आपका नाम ऊपर चला गया बच्चे, मैं भूल गई कौन से बच्चे ने पूछा था. अभी हुआ क्लियर? तो मिस कैरेज इज नॉट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. साइकिल मिस होने के बाद ही तो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, चलो फिर चलते हैं जी आगे. नेक्स्ट वी हैव ए क्वेश्चन टाइम. Question time. Which layer of the wall of uterus undergoes strong contraction during the delivery of the baby? 5 seconds, just 5 seconds. डॉक्टर, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स बच्चे, अगर फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट है तो मेल फीमेल गैमेट दोनों ही नहीं फॉर्म होंगे रेस्पेक्टिव बॉडीज में. 5 seconds everyone, 5 seconds. Question time. बताओ जी,
श्रेया प्रिंसेस डॉक्टर नो रितु बिलाल छागे भाई सारे बच्चे छागे वेरी 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 गुड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज मायोमेट्रियम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो फिर चलते हैं आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन द लोअर नैरो एंड ऑफ यूटरस इज कॉल्ड एज The lower narrow end of uterus is called as. Is it urethra? Is it cervix? Is it clitoris? Is it vulva? Again, 5 seconds. 5 seconds, everyone. 5 seconds, everyone. बिल्कुल भाई बिल्कुल अंकिता द्विवेदी ने सबसे पहले आंसर किया मान लिया हमने बिल्कुल हमने मान लिया बहुत बढ़िया सर्विक्स 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 वेरी 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 गुड भूपेंद्र वर्षा डॉक्टर नूर अनु गहलावा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज सर्विक्स आगे चलते हैं वी आर लेफ्ट विद जस्ट टू टॉपिक्स छोटे छोटे दो टॉपिक्स बचे हुए एवरीवन इज विद मी और नॉट बताओ पहले कमेंट्स में थोड़ी एटीपी भेज दो यार थोड़ी सी एटीपी भेज दो मैम के लिए कमेंट्स में बताओ एवरीवन इज विद मी और नॉट दो टॉपिक्स बचे एकदम छोटे छोटे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है सी दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर एग्जाम जितना आप समझ करके करोगे उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा सेंड मी एटीपीज क्विकली एवरीवन फिर हम स्टार्ट करते हैं आई नीड योर एटीपीज राइट नाउ चलो फिर स्टार्ट करते हैं द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस वन पार्ट लेबिया मेजोरा सेकेंड पार्ट लेबिया माइनोरा हाइमन एंड क्लाइटोरिस ये सारे जो पार्ट है बेसिकली द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स होते हैं अब वन बाय वन समझते हैं थैंक यू वेरी मच लॉट्स ऑफ लव माई बच्चा थैंक यू वेरी मच चलो फिर वन बाय वन समझते हैं मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाई अ स्किन इट इज बेसिकली स्किन एंड प्यूबिक हेयर सी प्यूबिक हेयर का भी इंपॉर्टेंस होता है बेसिकली बैक्टीरियाज को रिपेल आउट करते हैं राइट तो मॉन्स प्यूबिस इज द फर्स्ट पार्ट जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर दैट इज योर मॉन्स प्यूबिस सेकेंड पार्ट द लेबिया मेजोरा दे आर द फ्लैशी फोल्ड्स लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा दोनों फोल्डिंग वे में प्रेजेंट है दोनों ही फ्लैशी फोल्ड्स हैं ऑफ टिश्यूज विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ में प्रेजेंट है आपके दोनों लेबिया मेजोरा भी माइनोरा भी फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द विजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हुए आपके ये दो फोल्डिंग्स में प्रेजेंट होते हैं सिमिलरली लेबिया माइनोरा और ऑल्सो पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा दोनों सिमिलर है मिथिलेश बच्चे मेरे नोट्स मिल जाएंगे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो मैम खुद तुम लोग के लिए नोट्स लिख रही हैं आज बस अपलोड करना मेरे दिमाग से ही स्किप हो गया मॉर्निंग में अदरवाइज मॉर्निंग में ही आपको नोट्स मिल जाते आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो सब कुछ आपको मिलेगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है एवरीथिंग यू विल गेट एक्स वाई जी आपको सिर्फ बताना है कि मैम इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स मैं खुद बना के आपको दे रही हूँ कल की क्लास के भी दिए थे आज की क्लास के भी आपको मिल जाएंगे जस्ट आफ्टर दिस क्लास एंड इस पीपीटी का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा ठीक है अंकिता थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली पिज्जा स्लाइसेस थिन क्रस्ट है ना आई लाइक थिन क्रस्ट यस चलो फिर आ जाओ जी तो लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा दोनों ही पेयर फोल्ड्स हैं राइट द ओपनिंग ऑफ द विजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमन वेरी इंपॉर्टेंट MCQ अलर्ट के साथ साथ में मैं कहूंगी ये सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइमन लेयर बेसिकली जो ओपनिंग है विजाइना की वो कवर होती है हाइमन लेयर से नाउ देयर इज अ सोशल स्टिग्मा ऐसा माना जाता है कि अगर हाइमन मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है विच मीन्स कि वर्जिनिटी ब्रेक हो चुकी है
लेकिन हाइमन मेम्ब्रेन का रप्चर होना इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ ब्रेकिंग द वर्जिनिटी. ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ब्रेक नहीं होती है. ये सोशल स्टिग्मा होता है बच्चों. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर एग्जाम, इट इज अबाउट योर सोशल अवेयरनेस एज वेल. दिमाग के ढक्कन खोल करके एक सभ्य इंसान के जैसे हमको सोचना होता है. तो यस एवरीवन, हाइमन की जो लेयर है उसका रप्चर होना इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ दैट की वर्जिनिटी लूज हो चुकी है या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का प्रमाण नहीं होता. हाइमन एक थिन लेयर होती है. अगर समटाइम्स व्हाट हैपेंस, फिजिकल एक्टिविटीज अगर ज्यादा होती है उस मोमेंट पे भी ये ब्रेक हो सकती है. तो ये इसका प्रमाण नहीं है. इट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. फर्स्ट थिंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, समटाइम्स ही हाइमन की लेयर कैन परसिस्ट ऑल्सो. ये परसिस्ट भी कर जाती है इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. इंटरकोर्स के बाद भी ये परसिस्ट कर जाती है समटाइम्स, राइट? तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है. एनसीईआरटी लिखती है द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस. फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ही टॉर्न होती है, which is a regular thing, you must be knowing that. But however, it can also be broken by a sudden fall. It can also be broken by sudden fall or a jolt. कुछ झटका आपको लग गया है. Insertion of vaginal tampon जो आप use करते हो menstruation cycle को के blood को absorb करने के लिए pads को use करते हैं, tampons को use करते हैं. तो जो tampon use होते हैं उसके insert करने time पे भी hymen membrane break हो सकती है. या फिर active participation in some sports like horse riding, cycling, etc. राइट? सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजन जिससे हाइमन मेम्ब्रेन कैन बी ब्रेक, वो ब्रेक हो सकती है, राइट? सो इट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. एम आई क्लियर? सोशल स्टिग्मा को दूर किया सारे बच्चों ने, ज्ञान चक्षु में इस बात को रखा सारे बच्चों ने. यस एवरीवन, got it? Now, इसके अलावा the one more part is clitoris, which is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia. जो दो labias है आपकी, labia majora, labia minora, उसके upper junction पे there is presence of clitoris. हाँ जी, बताओ जी, क्लियर हुआ? तो जब आप लोग एक मैच्योर इंसान बन जाओगे तो सभ्य समाज में पार्टिसिपेट करना इसको. प्रिंसेस क्या रिपीट करना है बच्चे, बताओ प्लीज. डॉक्टर मेनका, नो, नॉट एट ऑल, इट इज जस्ट थिन मेम्ब्रेनस लेयर. साई प्रसाद, पुराना बच्चा है हमारा, सरप्राइज है. पर ये बता, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुझको? मजा आ रहा है ना, ये बता दे बस. हाँ लिखियो. Yes. हाँ जी, बताओ जी, क्लियर हुआ? यहां तक कुछ भी आपत्ति है तो प्लीज पूछिए बच्चों. यस क्लियर. चलो, बहुत बढ़िया. तो चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो तुम लोग. एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ ए ह्यूमन फीमेल. एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड. बताओ फिर इस क्वेश्चन का जवाब दो. मैम 1 आवर ही पढ़ाया करो. अच्छा, 1 आवर से ज्यादा हो गया क्या यार? मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना जोश में मैं तुमको पढ़ा रही होती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता टाइम का बिल्कुल भी. 1 आवर कब कंप्लीट हो गया? हाँ जी, आइडेंटिफाई द ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ ए ह्यूमन फीमेल. ग्रुप फाइंड आउट करना है आपने, जल्दी से. डॉक्टर शेख हुमी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश. B4 बिना छा गए जी, बहुत बढ़िया, छा गए हैं सारे के सारे बच्चे. फर्स्ट ही लाइन था एनसीईआरटी का, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सब के सब पार्ट आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स होते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बी, वेरी गुड. चलो फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज दिस डायग्राम विच इज मेमोरी ग्लैंड्स. हमने बात करी थी, मेमोरी ग्लैंड्स भी हेल्प कर रही हैं ओव्यूलेशन में. अब हम बात करेंगे मेमोरी डक्ट क्या है, मेमोरी एल्वुलस क्या है, मेमोरी लोब्स क्या है, लैक्टिफरस डक्ट क्या होती है,
मसल्स बिटवीन रिब्स हैं, ये आपके रिब वाला पार्ट होते हैं, फैटी टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं हम मेमोरी ग्लैंड्स की, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, वी मस्ट से लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, ठीक है, डोंट वरी। आ जाओ जी, समझते हैं मेमोरी डेप्थ एल्विलाइज लॉब्स क्या क्या चीजें होती हैं। तो यस, उठा ली अपनी पेंसिल, उठा ली अपनी पेंसिल सारे बच्चों ने, टाइम इज ओवर। हाँ इकरा, टाइम ओवर हो गया है, लेकिन आप हमारा साथ देंगे तो हम इस टॉपिक को अच्छे से भली भांति समझ जाएंगे, दोबारा इस टॉपिक पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी इकरा रानी, तो बताओ बच्चों हो मेरे साथ, गिव मी जस्ट 5 more minutes, नथिंग, गिव मी जस्ट 5 more minutes, नॉट मोर देन दैट। साथ देंगे कौन कौन से बच्चे मेरा, बताओ कौन कौन से बच्चे मेरा साथ देंगे, बायोगुरु के बच्चे, ये बायोगुरु के बच्चे थकते नहीं है बिल्कुल भी, पानी साथ में रखा हुआ है, पानी पीते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, पढ़ाई करते जाओ, पानी पीते जाओ, दैट्स ऑल, टाइम वाइम बिल्कुल ही नहीं देखना है। यस, आ जाओ फिर, आ जाओ सारे बच्चे, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे लाल, आ जाओ फिर पढ़ते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स, सारी फीमेल मैमल्स में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, राइट, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं सभी फीमेल मैमल्स में। नाउ द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाती हुई चल रही हूं, आप सारे बच्चे भी इस चार्ट को बनाना साथ साथ में पेंसिल के साथ में, एम्स दिल्ली जाना है, बिल्कुल जाना है अंकिता द्विवेदी, एम्स दिल्ली जाए बिना हम नहीं मानेंगे, 2021 में एम्स दिल्ली में कम से कम मेरे क्लास के 1000 बच्चे होने चाहिए, 1000 बच्चे हमारे बायोगुरु के होने चाहिए कम से कम। आ जाओ, अब बोला मैम इतनी तो सीट से नहीं है, अरे मैम है ना, सारे बच्चे पेंसिल के साथ में लिखते रहो, यहाँ पे लिखते रहो। यस, तो फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स, यहाँ लिख रही हूँ बच्चे मैं, आप लोग भी साइड में लिख लो, एक सीक्वेंस बन जाएगी, क्वेश्चंस करना इजी रहेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज द मेमोरी ग्लैंड, विच इज योर पेयर्ड स्ट्रक्चर, विच इज योर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है जी आपका ग्लैंडुलर टिश्यू एंड इसके साथ साथ में फैट्स भी प्रेजेंट है, फैट को थोड़ा छोटा लिख दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट तो हमारा ये है, ग्लैंडुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। नाउ जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। अब समझो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है मेरे लाल, जल्दी बताओ क्या प्रेजेंट है मेरे लाल। हाँ वही तो मैंने कहा, फाइट करोगे ना यार, ऐसी क्या बात है, फाइट नहीं करोगे सारे बच्चे, 1000 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जिनके बहुत ही जबरदस्त मार्क्स आ रहे, उसमें से फाइट करके तुम लोग 150 बच्चे चले जाओगे, बट सारे बच्चे हमारे होंगे, ठीक है, वाई नॉट, देख रहे हो वापस से वो रूल अप्लाई करो, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पर हमने तो सोच लिया हम तो नेगेटिव ही ढूंढेंगे, उसमें नेगेटिव नहीं ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढो उसमें, ये सोचो कि 150 सीट्स पे हम लोगों का ही हक है, बाकी कोई बच्चे को हम नहीं आने देंगे, हमारा ही हक है एम्स दिल्ली पे, ये सोचो तुम लोग, पॉजिटिविटी लाओ। धीरे धीरे सिखाती रहूंगी मैं, डोंट वरी, कमजोर बच्चों का हाथ में कभी नहीं छोड़ती, सिखा के ही मानूंगी तुमको, टेंशन मत लो तुम उसकी, ठीक है, आ जाओ। तो ये ग्राफ बनाते रहो, ये चार्ट बनाते रहो साथ साथ में, वी हैव मेमोरी ग्लैंड, उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसके अंदर है बच्चे क्या हमारी मेमोरी लॉब्स, कितनी है लिख दे साइड में, कितनी है लिख दे क्या साइड में, इट इज 15 to 20 मेमोरी लॉब्स आर प्रेजेंट। अब मेमोरी लॉब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्विलाई, इसको मेमोरी एल्विलाई भी आप बुला सकते हो। मेमोरी लॉब्स के इनसाइड में क्या है मेरे लाल, चार्ट में नीचे बना लो, क्या है जी, एल्विलाई
एल्विलाई. क्या है जी? एल्विलाई. अब ये जो एल्विलाई है, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दो मेन फंक्शन, दोनों एमसीक्यू अलर्ट. क्या है मेन फंक्शन जो एल्विलाई है? जो एल्विलाई है इसका फर्स्ट फंक्शन, दे सीक्रेट मिल्क. एमसीक्यू अलर्ट, फर्स्ट एमसीक्यू अलर्ट, दे सीक्रेट मिल्क, फर्स्ट एमसीक्यू अलर्ट. सेकेंड एमसीक्यू अलर्ट, विच इज स्टोर, मतलब सीक्रेट भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं. तो एल्विलाई जो है, मेमोरी एल्विलाई, ये मिल्क को सीक्रेट करने का भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एज वेल एज उसको स्टोर करने का भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे. कहाँ स्टोर करेंगे? कहाँ? इन द कैविटीज, इन द ल्यूमन्स ऑफ एल्विलाई, विद इन द एल्विलाई की कैविटीज में दे गोना स्टोर द मिल्क. आया क्लियर? आया समाज? साई, यू टीच, इट इज कमिंग फ्रॉम माई पुराना बच्चा, तो आई एम रियली रियली हार्ट मेल्टिंग है ये मेरे लिए. थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, मैं अभी बोल रही हूँ ये चीज़. बट हाँ, ये जिम्मेदारी उठाई है तो इस जिम्मेदारी को पूरा करना मुझे अच्छे से आता है, ये एक चीज़ सोच करके बैठी हूँ बस. यस विजय वाटी, यस आ जाओ फिर, आ जाओ. तो एल्विलाई, एल्विलाई कहां पे ओपन हुई? आगे चल के एल्विलाई तक हम पढ़ चुके, आगे चल के ओपन होती है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. कहां ओपन हुई मेरे लाल? कहां ओपन हुई? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट. सारे ट्यूब्यूल ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट. हाँ हाँ बिलाल, आप भी पुराने हो. आई नो, आई नो. यस बिलाल अहमद, सबके नाम मुझे याद है, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी. ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट. नाउ सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म, या लिखते चलो, इसके नीचे मेमोरी डक्ट, उसके नीचे लिख देती हूं मैं. एल्विलाई के नीचे हमने देखा जी मेमोरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल. नोट्स दे दूंगी आपको, इसके हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मैं दे दूंगी आपको, इस ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे. ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के आगे लिखना है बच्चे मेरे मेमोरी डक्ट. इट इज मेमोरी डक्ट. यस बच्चे पार्टी, आगे चले. सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्प्यूला. सारे डक्ट्स मिलकर के एक वाइडर एम्प्यूला बनाते हैं, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जो कनेक्ट होगा किससे? लैक्टिफेरस डक्ट से, थ्रू विच मिल्क विल बी सक्ड आउट. अब एम्प्यूला ने सीक्रेट कर लिया, स्टोर कर लिया. अब जब बेबी होता है तो बेबी को सक आउट भी करना है उसको, तो वो कहां से आएगा बाहर? इट विल बी थ्रू दिस लैक्टिफेरस डक्ट, थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट. ये चार्ट बना लिया, ये चार्ट बनाया सबने, वेरी इंपॉर्टेंट. मेमोरी डक्ट के बाद में लिख लेना लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट. नोट्स में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. हाँ जी बताओ, जी बताओ, जी यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो. अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स, अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स आपकी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्लस फैट प्रेजेंट है. इस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर टिश्यूज के अंदर मेमोरी लोब्स होती है, जिसमें एल्विलाई है जो सीक्रेट भी करती है मिल्क को, स्टोर भी करती है मिल्क को. उसमें ट्यूब्यूल्स है, उसमें मेमोरी डक्ट है जो लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है, थ्रू विच द मिल्क विल बी सक्ड आउट, थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट. हाँ जी बताओ मेरे लाल, कुछ है डाउट तो पूछो, कुछ नहीं डाउट है तो 10 सेकेंड में ये सवाल को फोड़ के दिखा दो. 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना बिल्कुल भी. सुष्मिता कोई बात नहीं भाई, नए पुराने सारे आप मेरे बच्चे हो, 2021 वाले बच्चे हो आप. अब ये सोचो हम सारे 2021 के बच्चे हैं, नया या पुराना नहीं. यस yes? बताओ जी ये क्वेश्चन. 10 सेकेंड साइड हो जाती हूँ मैं ताकि आप देख पाओ इसको अच्छे से. विच इज द करेक्ट ऑर्डर ए बी सी डी में से, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो. करेक्ट पूछा है. बायोगुरु के बच्चे क्या करेंगे? करेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, टिक मार्क करेंगे. वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव सी, वी हैव डी, टिक मार्क करेंगे, जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. डॉक्टर मेनिका पूछ रहे मैम आप टायर्ड नहीं फील करते? डॉक्टर मेनिका, वो सारी टायर्डनेस, ट्रस्ट मी,
आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, वो सारी टायर्डनेस खत्म हो जाती है जब आप बच्चे इतने ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स देते हो, इतने प्यारी बातें लिखते हो, इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, क्वेश्चन का आंसर इतने जल्दी देते हो, तो वो सारी टायर्डनेस जाती है तेल लेने साइड में बिल्कुल। तो यस, नोट्स बनाने में या आप बच्चों को पढ़ाने में कोई भी टायर्डनेस नहीं होती, इनफैक्ट डबल एंथुजियास्टिक फील होता है। हाँ जी, नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी, मिलेंगे जी। नोट्स पे पेज नंबर भी लिख देना। वाह जी वाह, और कोई फरमाइश, और कोई फरमाइश? नोट्स पे पेज नंबर लिख दूंगी, नोट्स पे लिख दूंगी स्पेसिफिकली फॉर ध्रुवी पटेल। आप ठीक है, आप ठीक है? हाँ जी बताओ जी। यस, विच इज द करेक्ट ऑर्डर? करेक्ट ऑर्डर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, शाबाश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एल्वेलाई, जहां पे मिल्क का फॉर्मेशन हुआ है, स्टोर हुआ है, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूला, एंड वी हैव लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से मिल्क विल बी सक्ड आउट, सक्ड आउट। ठीक है, ठीक है, चलो जी। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पार्ट, विच इज आर होमवर्क क्वेश्चन। सारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करेंगे कहां पे, कहां पे? कमेंट सेक्शन में। हाँ ठीक है, पेज नंबर लिख दूंगी, सब कुछ लिख दूंगी, आप बता दो, आप एक लिस्ट बना दो, लिस्ट बना के मुझे भेज दो टेलीग्राम पे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर जब डॉक्टर बन जाओगे ना, तो फिर मैं भी बुढ़ापे में ऐसे ही सारे काम करवाऊंगी तुमसे। अब मेरे दांत खराब है, अब मेरा बाल खराब हो गए, सारे काम तुम लोग करोगे, फिर फ्री में करोगे, वो भी मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये गिव एंड टेक रखते हैं हम, ऐसा चलेगा, चलेगा। हाँ जी, तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करेंगे, साइड नहीं होंगी अब मैं, इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। राइट बच्चे, कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन को काफी सीरियसली आप लोग लिया करो, पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखा करो, लिखोगे तो वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो पूरा आपको याद हो जाएगा। सी, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, अब टाइम है मनन करने का। मनन करने का मतलब क्या होता है? पढ़ने के बाद दो मिनट आईज क्लोज करके सोचोगे कि हाँ यहाँ पे ये सीक्वेंस थी, फिर ये था, फिर ये फॉर्म हुआ, फिर ये फॉर्म हुआ, उससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे हम आज ही वापस से 5 बजे। आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे प्लांट किंगडम की मिंटी क्विज लगाई है आज शाम को 5 बजे, सारे बच्चे आ जाना, मिंटी मिंटी खेल लेंगे सारे बच्चे, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बुला लेना, बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आज शाम को 5 बजे। ठीक है, अगर आपको मजा आया हो सेशन में तो प्लीज इसको शेयर करना है, आई नीड योर सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर अमेजिंग अमेजिंग चैनल। बाय बाय एवरीवन, बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू ऑल द बच्चास आउट देयर। बाय बाय।